हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर टेन मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर सेवन दे रखा हमें, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद द साइड मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसकी तीन साइड हमें दे रखी है, नाम दे दिया ए बी सी। 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर पूछा क्या है, पैरीमीटर। यहाँ लिखेंगे हम पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पैरीमीटर का मतलब होता है जो इसकी आउटलाइन है, इन आउटलाइन का सम। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड। इसमें कुल मिलाकर तीन साइड हैं, पहली कौन है ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी सी। तीनों को ऐड कर देंगे, ये 15 है, ये 10 है और ये 14 है। तो देखो कितना हुआ, 25। 25 में ऐड करेंगे तो इनको ऐड करेंगे 39 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर एट। बोला फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ईच साइड 8 मीटर। अब क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया गया है कि रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन उसे कहते हैं जिसके अंदर 6 साइडें होती हैं, ठीक है। और रेगुलर बोल दिया तो इसका मतलब 6 की 6 साइडें बराबर होंगी। ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर, ये भी 8, ये भी 8, 8, 8, ठीक। या तो आप इसके सारी साइडों को ऐड करके पैरामीटर निकाल लो, या फिर आप डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो 6 × साइड। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। इसको मैंने दे दिया ए बी सी डी ई एफ। इस तरीके से सभी को ऐड कर लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस ई एफ। सभी को ऐड करोगे तब भी वही आंसर आएगा, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि पैरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि इसमें सारी साइड बराबर है तो 6 × साइड, क्योंकि 6 साइड होती है, इसमें 6 की 6 बराबर है। तो साइड कितनी दे रखी है, 8, 8 × 6 = 48 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पैरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इसमें सारी साइडों को ऐड करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ प्लस ए एफ। 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8। अब सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बोला है फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पैरामीटर। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, हमें क्या दे दिया, साइड निकालनी है, पैरामीटर दे दिया। पैरामीटर का मतलब होता है इसकी आउटलाइन का सम, इसकी आउटलाइन का सम। स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं, जैसे रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड बराबर होती है, तो स्क्वायर के अंदर 4 साइडें बराबर होती हैं। हमें क्वेश्चन में इसका पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 20 मीटर। और वैसे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, 4 × साइड इक्वल टू 20। साइड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 4, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 4 का टेबल 20 तक पड़ा, 4 × 5 = 20 मीटर है, तो आंसर आएगा मीटर में, ठीक है। यहाँ भी मीटर था तो यहाँ भी आंसर किस में आएगा, मीटर में ही आएगा, 48 मीटर। अगर साइड मीटर में है तो आंसर ही मीटर में होगा, अगर सेंटीमीटर में तो आंसर भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।